हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अंबिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपको एक ऐसे लक्षण मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपको बहुत जल्दी पता लगा सकता है और आप इसे जान सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो लड़का है। देखिए दोस्तों, यूँ तो हमारे इंडिया में जेंडर प्रेडिक्ट करना बैन है, आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप के मन में ख्वाहिश रहता है कि अगर उनका पहला लड़का होता है तो लोग ये चाहते हैं कि उनका एक छोटी सी प्यारी सी बेटी हो जाए ताकि उनका जो परिवार है वो पूरा हो जाए। और वैसे ही अगर उनको लड़की रहती है तो लोग चाहते हैं कि उनको एक लड़का हो जाए। तो दोस्तों, इसमें अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दोस्तों हमारी इंडिया में जेंडर प्रेडिक्ट करना बैन है क्योंकि बहुत सारे लोग गलत मतलब से, गलत इरादे से जेंडर प्रेडिक्ट करते हैं जो कि सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे लक्षण के बारे में जो कि बहुत जल्दी दिखाई देता है और सबसे पहले आपको पता करा देगा कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। वो कौन सा लक्षण है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान कुछ एक चीज़ों का स्मेल आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि कांदा हो गया, लहसुन हो गया, सरसों का तेल हो गया, ऐसे जो कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही आपने बेबी को कंसीव कर लिया है तो तुरंत अगर इस सब का स्मेल आपको लगता है तो आपको वहाँ पे उल्टी और नौशिया जैसा फील होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ चीज़ें अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, उसका स्मेल आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो ये आपको बताता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। क्योंकि लड़का होने पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे होता है जिसका कि स्मेल आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, जो कि लड़की होने पर आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक लेट टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।